हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्टली जो पोल डाले थे, तो लेट्स चेक इट आउट। हम लोग जो पोल डाले थे तो उसमें 50% वोट से ट्वाइस जीत गया। तो हमको बहुत सारे इसमें कमेंट्स भी आया कि रुको, तो अच्छा तो क्लोज कर लेते हैं। तो हमको कमेंट्स आया कि खुल जाए। हाँ, यू कैन ऑल्सो रिएक्ट टू जी आइडल, देखना बहुत कोई एनसीईआरटी, यस मामामो, जी आइडल, एनसीईआरटी, सॉरी बट आई लव बीटीएस, तो हम रिएक्ट किया, डज इट मैटर। तो डेफिनेटली सब सब मतलब मेरे चैट में, मतलब मेरा जो मेरे को जो लोग देखते हैं वो लोग, मतलब एक ट्वाइस तो एक विनर था ही, बट एनसीईआरटी, जी आइडल, तो सब आएगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एक ही कोई आएगा। तो ट्वाइस का पहला वीडियो है, तो इसमें ट्वाइस का चार सॉन्ग चूज़ किया है। यहाँ पर रिकमेंडेशन आया है ट्वाइस का, रिएक्टर ट्वाइस 1 2 3, पर हम चार सॉन्ग सेलेक्ट किए हैं, तीन यही है, दिस फीलिंग, यू कान, आई कांट स्टॉप मी, क्राई फॉर मी, और एक व्हाट इज़ लव, जो मेरे को प्रीवियस वीडियो में रिकमेंडेशन आया था। तो डेफिनेटली तुम लोग जाके मेरे को नेक्स्ट मेरा रिएक्शन एनसीईआरटी पे, एनसीटी, एनसीईआरटी क्यों बोल रहे भाई, एनसीटी 127 पे आएगा। तो एनसीटी का चार सॉन्ग तुम यहाँ पर जाके रेकमेंड कर सकते हो। अगर पीपल, जैसे इसमें 3 लाइक आया है, तो डेफिनेटली वो चेक करना बनता है। तो लेट्स गो ट्वाइस पे। इंट्रो बहुत बड़ा था ना, हम अब थोड़ा कैजुअल होने का ट्राई कर रहे हैं। ये हेलो गाइस, वेलकम बैक, वो हर बार चीज़ करने में अच्छा नहीं लगता, वो बहुत जेनेरिक हो जाता है। तो डेफिनेटली वो चीज़ स्किप करते हैं, अब करेंगे आगे वीडियो पर उतना नहीं। तो पहला सॉन्ग है 5 ईयर्स अगो, तो ट्वाइस का अर्ली सॉन्ग में से एक है, मतलब अर्ली सॉन्ग, और वन ऑफ द मोस्ट व्यूड ट्वाइस सॉन्ग भी है। तो 773 मिलियन भाई, भैया किसी का 1 मिलियन हो जाता है तो भाई सब खुश हो जाता है। लेट्स गो, ट्वाइस इज वन ऑफ द बिगेस्ट भाई के पॉप ग्रुप में से एक है। बीटीएस, ब्लैक पिंक, स्ट्रे किड, ट्वाइस, ये सब वन ऑफ द बिगेस्ट है ना। तो भाई फर्स्ट टाइम रिएक्टिंग, हम कभी ट्वाइस को सुने नहीं है। तो लेट्स गो। ये डेफिनेटली हम कहीं सुने हैं, एकदम सुना सुना लग रहा है। ये कहाँ सुना हुआ लग रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुनेंगे। लिटरली कोई ट्वाइस को बोला का भाई हम लोग को मेल चाहिए, भाई खुद ही खड़ा हो गए जाके भाई, एज अ फीमेल शॉर्ट हेयर के साथ, एज अ मेल रिप्रेजेंटेशन भाई। देखो यहाँ पर भी ये फीमेल मेल, मतलब हटा ही दो मेल को भाई। सर
बट एक मतलब एक तो वो फीलिंग है कहीं सुने हैं, बट ये बहुत ज्यादा गर्ली वाला फीलिंग दे रहा है, एकदम तो उसकी गर्ल गर्ल वाला फीलिंग आ रहा है कि भाई ये बहुत जन को ऑफेंड कर सकता है ट्वाइस फैन को, बट ये लग रहा है कोई टीन जो टीन एज में जो गर्ल्स है उस वो ऑडियंस पे एम करके ये सॉन्ग बनाया गया है। डेफिनेटली भाई ये बहुत खराब ग्रीन स्क्रीन है, बहुत खराब देख रहे हो, बहुत खराब ग्रीन स्क्रीन का काम किया गया यहाँ पर, एरिया डेप्थ मैच नहीं हो रहा। The end. Nice song, but जो ऑडियंस टारगेट किया गया है इसमें वो हमको इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली ये स्कूल गर्ल्स जो कोरिया में जो टीनेज गर्ल्स है उस पे एम किया हुआ है क्या, व्हाट इज लव डेफिनेटली। और ऐसा सॉन्ग बुरा नहीं है, जो डेफिनेटली एक जो कोरस जो था वो डेफिनेटली कहीं सुना सुना लग रहा था। डेफिनेटली आजकल बहुत मेरे को शॉर्ट्स रिकमेंडेशन आ रहा है अलग अलग ग्रुप, अलग अलग के पॉप या के पॉप क्रिएटर्स की तरफ से, जैसे बहुत क्योंकि के पॉप का एडिट्स बनाता है तो उसमें सुने होंगे, बट डेफिनेटली थोड़ा फेमिलियर लगा वो जो साउंड था। नेक्स्ट सॉन्ग है आई कांट स्टॉप मी, लेट्स गो टॉइस, ये 3 साल पहले का सॉन्ग है। 50, 6.5 million like. दो साल में लोगों का बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीनेज गर्ल पे एम था ये ऐसा वुमेन पे एम लग सॉन्ग लग रहा है, देखो खुद देखो एकदम ऐसा ऐसा दे आर प्रेजेंटिंग देम सेल्फ एज अ चार्मिंग वुमेन, हम नहीं पता इंग्लिश में क्यों बोले बट बोले, बट डेफिनेटली वो जो पहला सॉन्ग में जो वो लोग ऐसा स्टूडेंट पोर्ट्रे करने का ट्राई कर रहे थे, इसमें पूरा मैच्योरिटी वाला वाइब आ रहा है स्टार्टिंग से ही। भाई ये इतना गंदा VFX यूज़ करने से भाई लोग को रोकना पड़ेगा भाई, या मेरा स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हो गया है कि भाई ये सब बहुत 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 गंदा लगता है। ये 2002, 2005 वाला भाई VFX लग रहा है, और देख रहे हो ट्रॉन बाइक चला रही है ये, अगर तुम लोगों को नहीं पता ट्रॉन मूवी है जिससे ये बाइक ओरिजिनेट होता है। दिस टाइप मतलब ये ट्रॉन बाइक का ओरिजिनेशन एक ट्रॉन मूवी उससे हुआ था, तो डेफिनेटली VFX बहुत थोड़ा क्रिंजी का टेक। Oh,
कुछ ज्यादा मेंबर नहीं था इसमें, हम अभी नोटिस किए, देख रहे हो? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, 10 मेंबर। ओ माय गॉड, डेफिनेटली ये लोग का देखना पड़ेगा, ये लोग का कभी कलर कोडेड लिरिक्स देखेंगे डेफिनेटली, उसमें देखेंगे ये लोग का सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जो लाइन डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली करता है कि, क्योंकि हमको दो ही अभी तक दो ही रैपर हाईलाइट, जो प्रीवियस सॉन्ग था उसमें दो ही रैपर देखी, मतलब ऐसा रैप करते हुए, डेफिनेटली हर सॉन्ग में हर रैपर रैप नहीं करेगा, क्योंकि होता है डेफिनेटली अपना अपने सॉन्ग के हिसाब से चेंज होता है, बट डेफिनेटली ये चीज दो चीज़ ध्यान दे रहा है। ओके, स्टार्टिंग में हमको इतना सॉन्ग उतना मतलब एक्साइट नहीं कर रहा था, पर धीरे धीरे ग्रो कर गया मेरे पे ये सॉन्ग, ऐसा कंप्लीट हो रहा था। कोरस, जो मेन कोरस है वो ऑफ कोर्स है मेरे लिए ये सॉन्ग को एक अलग हाइट में लेके जाता है डेफिनेटली। पूरा सॉन्ग अगर डेफिनेटली हम ऐसा प्लेलिस्ट में नहीं डालेंगे, पर सॉन्ग बुरा नहीं है। भाई फुल मेरा अमर भाई, कैन स्टॉप मी, गुड सॉन्ग, बट डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्ली वाला, एकदम वो गर्ली वाला वाइब को एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा रहा था। तो सॉन्ग ऐसा बुरा नहीं है, एक भी सॉन्ग हमको ऐसा नहीं लगा कि भाई ऐसा म्यूजिकली खराब है, जो हमको डेफिनेटली जो निमिक्स का जो सेकंड सॉन्ग सुने थे वो हमको एकदम डेफिनेटली ओवर द टॉप लगा था, पर इसमें थोड़ा क्रिंजी वीएफएक्स हमको ज़्यादा दिखा। फर्स्ट सॉन्ग नॉस्टैल्जिक था, सेकंड सॉन्ग का कोरस मेरे पे ग्रो कर गया, थर्ड सॉन्ग का से सुनते हैं द फीलिंग एमवी। एक सेकंड, तुम लोग भी अगर नहीं किए हो तो प्लीज़ जाकर लाइक करो मेरा चैनल, डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, तुम लोग कमेंट तो करते हो यहाँ पर डेफिनेट, देख रहे हो कितना सारा कमेंट पड़ा हुआ है, नौ नौ कमेंट पर लाइक दो ही पड़ा हुआ है, हम उसमें से एक मेरा ही है, तो डेफिनेटली जाके लाइक करो और थोड़ा चैनल का बूस्ट मिलता है इस वजह से, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और डेफिनेटली जो निमिक्स का डैश है, जो तुम लोग अगर मेरा वीडियो नहीं देखे निमिक्स वाला, हम डेफिनेटली इसको 10 से 15 बार एक दिन में सुन लिए होंगे, हम कितना पसंद आ रही है सॉन्ग, तो
वन डैश वन डैश वन डैश ओ बेस स्टार्ट हो रहा, लेट्स गो। Boy, wanna keep it cool, but I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Yeah, yeah. Catching feels like butterflies. If I say what's on my mind, what I hit bullseye. Shoot, I'm ready, aim and fire. Baby, I feel like Cupid's on life. Oh, yeah, yeah, tonight. Yeah, tonight. If your heart beats, so stay with them. ये भी डेफिनेटली सुनो सुनना लग रहा है, डेफिनेटली एकदम एकदम जब से कोरस आया ना, नन्हे वाले टी गो को को, ये डेफिनेटली नॉस्टैल्जिया हिट किया। नहीं पता क्यों कभी सुने नहीं है टॉयस को, नन्हे वाले टी गो को को भाई, ये लोग मेल चूज कर लिया भाई फर्स्ट टाइम, भाई एज अ एक्टर बैकअप डांसर बोल सकते हैं। भाई टॉयस कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ग्रोन। असली मेल दिख रहा है उन लोगों का वीडियो में, शॉर्ट हेयर गर्ल्स नहीं। ये डेफिनेटली एक एनिमे ओपनिंग हो सकता है फैंटेसी जॉनरा के लिए। नाइस सॉन्ग, डेफिनेटली ये मेरा इतनी अभी तक का फेवरेट सॉन्ग बना टॉयस की तरफ से। एक अलग सा नॉस्टैल्जिक और एकदम गुड कोरस तो भाई ऑन द टॉप था इसका। ना नेक्स्ट सॉन्ग क्राई फॉर मी, आई एम नॉट गोना क्राई फॉर डेफिनेटली। ये
ये ट्वाइस के खुद के तरफ से सॉन्ग है, क्राई फॉर मी। ओ फुल शो परफॉर्मेंस है ये, क्राई फॉर मी। इसका ये देखते हैं ना, क्राई फॉर मी, इसका म्यूजिक वीडियो देखते हैं, फिर धीरे धीरे पार्ट टू में एक्सप्लोर करेंगे ये। पहले म्यूजिक वीडियो देखते हैं, ठीक है ना गाइस। कोरियोग्राफी है क्राई फॉर मी। क्राई फॉर मी का ये नहीं है क्या, म्यूजिक वीडियो नहीं है क्या, इसलिए ये भेजा गया आई थिंक, इसलिए हमको ये भेजा गया। पर क्राई फॉर मी कोरियोग्राफी टू, पर जो रिकमेंडेशन में आया वही देखते हैं। क्राई फॉर मी का एमवी तो नहीं है, एमवी नहीं है, तुम लोग जैसा भेजो वही देखते हैं। प्लीज ब्लॉक ना करना भाई।처지가지도 없단 걸 하지만 그녀와 달리 난널 쉽게 놔줄 맘이 없거든 Never let go You don't know me I love you hatred 이별 듯이 난 순진한 미소만 오늘도 네 품에 안길래 아무것도 모르는 척 Baby 너무 real life 내 곁에 있어줄게 마지막엔 नाम क्या है भाई, ये अलग से एक एनर्जी दे रही है डेफिनेटली। मतलब होता है ना एक मेन कैरेक्टर सिमर, वर्ड यूज नहीं करेंगे, जो एक होता है ना कि खुद को हाईलाइट करने वाला एक जब होता है, जो वो हर एक बीटीएस मेंबर में, जैसे कि जब फ्रंट में आता है कोई तो ओन द स्टेज भाई, वो परफॉर्मेंस से कितना स्ट्रांग रहता है कि भाई, तो वो हमको इसमें दिखा, देख रहे हो है सब कोई, पर हाईलाइट यही हो रही है। डेफिनेट कैमरा हाईलाइट करने का ट्राई किया, बट एनर्जी भी साफ दिख रहा है, देख रहे हो किसी का आंख कैमरा में नहीं है, पर डेफिनेटली स्टेयर लगता है एकदम एकदम भाई, पूरा अंदर तक सोल तक झांक रही है। देखो देखो सबका आंख एकदम इसका यहाँ है, ये भी देखने का ट्राई कर रही है, पर इसका एक्सप्रेशन होता नहीं है, इसका एक्सप्रेशन पूरा, मतलब ये एज अ कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, थोड़ा वी वाला वाइब दे रही है, जिसका एक्सप्रेशन है फुल कॉन्फिडेंस कैमरा में देखते हुए बिना झिझक के, भाई पता है जो कर रही है, कॉन्फिडेंस है। जैसे इस मतलब सिमिलरली इसका अपोजिट ये ले लो, हमको इसमें जीरो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, नहीं पता क्यों। तुम लोग अगर तुम्हारा फेवरेट मेंबर है तो सॉरी, बट एज अ डांसर हमको वो नहीं दिख रहा है, मतलब जो कॉन्फिडेंस हमको इसमें इसमें, तुम नाम बता सकते हो पर एक एक करके, जब वही हम बोलते भी है कि एक एक करके नाम याद करेंगे। ट्वाइस का हम अभी तक मेरे फेवरेट तो ये है जो पीछे है, आगे नहीं, ब्लैक हेयर वाइट एंड ब्लैक ड्रेस, तो डेफिनेटली इसे लग रहा है ना कि नहीं पता कुछ, एक गलती होने का डर है इन द माइंड। Cry for me. देख रहे हो है फ्रंट में ही है, पर हाईलाइट ये हो रही है। अब देखो हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं, ये कैमरा में है, ये भी कैमरा में दिख रही है, ये भी कैमरा में दिख रही है, पर ये कैसे देख रही है वो देखो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो एकदम एकदम, ऑरा आ रहा है कॉन्फिडेंस का। डेफिनेटली ये मेरा अभी तक का ट्वाइस का फेवरेट मेंबर, तुम लोग कमेंट में जाकर नाम बोल सकते हो प्लीज। तो
눈의 곁에 yeah yeah yeah. I want you to cry, cry for me. 너 연기라도 해 빨리 cry for me. Make it rain for, fall and fall. एंड में बात करते हैं, इस चीज हम एक चीज नोटिस किया हर एक इसमें बताएं एक चीज बोलेंगे एज अ ट्वाइस एज अ होल पता है हमको मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन सॉन्ग देर मतलब हर एक सॉन्ग इम्प्रेसिव था ऑन द ऑन वे. मेरा फेवरेट सॉन्ग था द फीलिंग मतलब एक बोले नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग और कोरस भी अच्छा था डेफिनेटली. सेकंड फेवरेट जो रिसेंटली से कराई फॉर मी एक मतलब स्मूथनेस था सॉन्ग में डेफिनेटली. फिर आई कांट स्टॉप फिर लास्ट में व्हाट इज लव कुछ आते ही वो गर्ली वाला फीलिंग था जो डेफिनेटली गांव से देख सकते हो हम कर रही है सॉरी सॉरी बट डेफिनेटली बोलेंगे क्राई फॉर मी और द फीलिंग वन ऑफ द ट्वाइस का मेरे तो अभी चार सॉन्ग सुने वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग में से एक है. बट एज अ होल ग्रुप हम एक चीज़ बोलेंगे हमको वो लोग में ओरिजिनैलिटी एकदम नहीं दिखा. मतलब ओरिजिनैलिटी का मतलब ये नहीं बोलेंगे कि मतलब वर्ड ढूंढने तो मेरे को ऐसा मतलब बोलेंगे कि वो लोग खुद का मतलब ऐसा वो लोग को ऐसा लग रहा था कि जो सॉन्ग है वो लोग के लिए कोई और लिखा है जो कोरियोग्राफ है ये लोग को कोई और किया है. एक होता है ना कि तुमको कोई एक स्टेप देगा ठीक है ना तुम उस स्टेप को अपना बना लो वो लोग में नहीं दिखा जो सिवाय एक दो जन के जो अच्छा डांसर थे जो हम तुमको हाईलाइट भी करवाए. बट बहुत जन एकदम हेजिटेंट लग रहा था. बट जैसे इतना दिन ट्वाइस वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप में से एक है मतलब एक्सपीरियंस ग्रुप में से इतना इतना साल काम करने के बाद एक्सपीरियंस आ ही जाता है. पर तब पर भी जो कॉन्फिडेंस हम स्ट्रे किड VTS ब्लैकपिंक में दिखा वो हमको ट्वाइस में नहीं दिखा. डेफिनेटली हमको ऐसा ग्रुप वो लोग बुरा नहीं है बट ऐसा लग रहा था वो लोग को कंपनी कंट्रोल कर रहा है. डेफिनेटली ये हम प्रीवियस माइंडसेट से नहीं बोल रहे क्योंकि के पॉप में सब कोई जानता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है. बट पहली बार ट्वाइस में हमको वो चीज़ दिखा हम मतलब एज अ बैक ऑफ द माइंड हम पूरा ट्राई कर रहे थे कि भाई कुछ हम मतलब एक चीज़ है एज अ हमको छोटा छोटा चीज़ नोटिस करने का आंसर है. तुम लोग चाहो तो हम हर एक चीज़ क्यों हमको वैसा लगा हाईलाइट करके दिखा सकते हैं बट बहुत ज़्यादा वर्क होगा. बट डेफिनेटली वो एक चीज़ तुम लोग नोटिस करोगे तो तुम लोग को भी दिखेगा क्योंकि ऐसा सॉन्ग बुरा नहीं था ऐसा वो लोग परफॉर्मर ऐसा बुरा नहीं है पर ये चीज़ दिख रहा था कि वो लोग जो कर रहे थे समझ रहे वो लोग अपना वर्क नहीं है. वो डेफिनेटली वो लोग को एज अ इमेज बनाने के लिए मतलब ऐसा दिख रहा था. एक हम दो तीन जन को नोटिस किए जैसे जो इमेज होता है एक इमेज पे बोलते हैं ना कि एक भाई एक पर्सन का इमेज पे पूरा ये चलता है. हम वो नोटिस किए जो गर्ल का नाम पूछे थे तुम लोग से जो आपको सबसे पसंद आए वो जो प्रीवियस वीडियोस में भी थी ठीक ना वो ऐसा मतलब ऐसा रिप्रेजेंट किया गया था उसको एज अ कूल गर्ल समझ रहे हो. जो उसके बाद चारों सॉन्ग सुने उसमें वो चारों में कूल गर्ल थी उसका लिरिक्स भी एज अ कूल गर्ल था समझ रहे हो कि एज अ वो लोग एक्सपेरिमेंट नहीं देना चाहता कि भाई कैरेक्टर से बाहर नहीं आए. ये दिख रहा था ट्वाइस एज अ एक जब ऐसा परफॉर्म कर रही है एज अ स्टेज में एज अ एक कैरेक्टर आ रहे हैं समझ रही हो. हर एक वीडियो में वो लोग एज अ कैरेक्टर था ना कि एज अ आर्टिस्ट.
डेफिनेटली केपॉप में हमको वो चीज तो मतलब एक्सपेक्ट ये थे देखना, पर इतना मेरा आँख मेरा भाई मेरा पीओवी से देखोगे तो बहुत ज़्यादा वो क्लियरली दिख रहा था। तो डेफिनेटली ट्वाइस एज अ ग्रुप हमको एकदम व्हाट दे आर डूइंग मतलब सॉन्ग अच्छा बना रहे हैं डेफिनेटली, बट एक हमको पीछे से कंपनी का भाई सन दिखा कि हाँ भाई कि वो लोग ओन भाई JYP वो चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। तो तुम लोग भी अगर नोटिस किया होगा तो तुम लोग भी मेरे कमेंट पर बोल सकते हो, क्योंकि मेरा ऑडियंस भाई इतना है कि भाई हम अभी तक जितना क्रिटिक दिया है सब अग्री किया है, पर इसमें नहीं पता फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रहे हो। टॉयस फैन डेफिनेटली इंडियन टॉयस फैन यहाँ पर आएंगे, वो लोग को क्या कहना है वो लोग हमको अभी कमेंट्स पे जाके डेफिनेट बताओ। और तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा तो मेरे को कमेंट्स पे जाके बता सकते हो कि ऐसा नहीं है क्यों ऐसा है। तो डेफिनेटली एक हमको वो एक वर्ड जो इंडस्ट्री प्लांटेड होता है वो डेफिनेटली टॉयस में दिखा। एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पूरा सब मेंबर नहीं एक दो छोड़ के सब मेंबर में हर वीडियो में एक इमेज इमेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा कि वो लोग पे वो इमेज बनाने का बहुत प्रेशर था। एक सॉन्ग का एंड में वो लोग बिहाइंड द सीन भी दिख रहा था, वो लोग बिहाइंड द सीन तुम नोटिस करना वो लोग एक्सप्रेस जो कर रहा था जो शूटिंग में वो लोग फ्री नहीं था वो लोग कैरेक्टर में था। तो डेफिनेटली वो मेरे को दिख रहा था। तो एज अ मेरा ऑनेस्ट थॉट था ये, तुम लोग क्या बोलते बोलो, और डेफिनेटली मेक श्योर टू कमेंट अपना थॉट्स। और नेक्स्ट अपन किस पे आने वाला देखने दो, नेक्स्ट NCT 127 और उसके बाद जी आइडल। तो तुम मेरे को बता सकते हो NCT और जी आइडल का कौन कौन सा 4 सॉन्ग हम रिएक्ट करें, और ट्वाइस का भी अगर पार्ट 2 चाहिए इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए वो भी हमको डेफिनेटली बोल सकते हो और रिकमेंड कर सकते हो कौन 4 सॉन्ग और सा होना चाहिए। तो अभी के लिए हम चलते हैं, बाय बाय गाइस, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा गाइस।